कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूटा है, गजनवी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर, इन्होंने तो अपना यही खाया और यही दबाया। आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी, ना छुपने की जगह मिलेगी। उनकी सेवा करूं, क्योंकि उनके कारण ही आज मुझे कोई जानता है, कोई पहचानता है। उनकी सेवा में कोई भी कमी मेरी तरफ से ना रहे। नए भारत की नई तस्वीर में एक और योगी की एंट्री हो चुकी है। एक और योगी अब गुंडे माफियाओं का काल बनेंगे। एक और योगी जनता को उनका हक दिलाएगा। एक और योगी राजपूताना से बने राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करेगा। महंत बालकनाथ के रूप में देश को अपना एक और योगी मिल चुका है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की तरह अब राजस्थान के इस योगी से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं। यूपी की तर्ज पर राजस्थान में कमल खिलाने की जिम्मेदारी महंत बालकनाथ योगी के कंधों पर है। और ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, कांग्रेस का सफाया और गैंगवॉर का खात्मा, गहलोत सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले राजस्थान के भगवादारी बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए धर्म ज्ञान पर। पार्टी की तरफ से आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट हो गई है कि अब राजस्थान का योगी कांग्रेस का सफाया करेगा राजस्थान से। किस प्रकार कर पाएंगे आप, क्या रणनीति है आपकी? देखो, योगी जी भी आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आए हैं जी। आज योगी जी की कार्यशैली को पूरा देश और पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। उसी प्रकार से माने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को भी, उनसे बढ़कर पूरा विश्व आज उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करता है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी देश में माने प्रधानमंत्री जाते हैं तो ऐसा सम्मान हमारे देश का आज़ादी के बाद में हम लोगों को देखने को नहीं मिला। हमारा हो सकता जीवन, हमारा जन्म बहुत 20-30 साल पहले, 25 साल पहले हुआ होगा, लेकिन विषय, वीडियोज़, उस समय की रिपोर्टिंग, पत्रकारिताओं, न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को मिलता। आज भी आप 70 साल पहले क्या होता था, कैसे होता था, तो आप जान सकते हो। लेकिन वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश का सम्मान और गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है, और ये पार्टी की विचारधारा ही है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के उत्थान का ही मूल ध्येय है। राष्ट्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, वो हर सुख सुविधा उस व्यक्ति तक पहुँचे, सरकार की योजनाएं हर पहाड़ की चोटी तक भी पहुँचे और दूर रेगिस्तान में बसने वाले एक सामान्य गरीब परिवार तक भी पहुँचे, जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवार तक भी पहुँचे। इस प्रकार की हमारी राष्ट्र भावना, क्योंकि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और राष्ट्र तभी संपन्न बनता है जब उसके नागरिक एक सुखद वातावरण की अनुभूति करेंगे, उसके नागरिकों में वो हर जरूरत का सामान उनके पास, उन सुख सुविधाएं होंगी, शिक्षा समय पे हो, स्वास्थ्य समय पे हो, सुख सुविधाएं समय पर हो, रोड हो, बिजली हो, कनेक्टिविटी हो, हर तरह की सुविधाएं उन तक रहेंगी, तभी हमारा राष्ट्र संपन्न कहलाएगा। उस भाव से ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसी की देन है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी की देन है योगी जी, उसी की देन है हमारे अन्य राज्यों के भी सभी मुख्यमंत्री। और मैं मानता हूँ कि हमारी विचारधारा कार्य करती है। विचारधारा का पालन करने वाला व्यक्ति जो मूल रूप से उसका स्वच्छ मन से पालन करता है, तो उस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को मिली। और इस विचारधारा को चलते हुए हमें तो सौभाग्यशाली कि हमें सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं तो इतना ही कर्तव्य हूँ, आत्मीयता से कर्तव्य हूँ कि अलवर की क्षेत्र की जनता ने ही सब कुछ किया है, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है कि मेरे इस जीवन को ये सौभाग्य मिला कि मैं इस लायक हूँ, कि मैं लायक बन पाया कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी आगे इस जीवन के अंदर बढ़ पाऊँगा, तो केवल और केवल उसमें सारा का सारा श्रेय हमारी अलवर की जनता को और हमारे गुरुजनों को जाता है। मेरा तो केवल इतना ही ध्येय है और इतना ही मेरा धर्म और कर्म बनता है कि पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरी आत्मीयता से उनकी सेवा करूं, क्योंकि उनके कारण ही आज मुझे कोई जानता है,
कोई पहचानता है, उनकी सेवा में कोई भी कमी मेरी तरफ से ना रहे, इतना ही मैं अपने जीवन का एक ध्येय मात्र मानता हूँ, इतनी ही मेरा एक जीवन का उद्देश्य मानता हूँ। और उसी के फलस्वरूप आप सब जो देख रहे हैं कि तो सेवा का अवसर है, हमें सेवा की कृतज्ञता के भाव से उस सेवा को पूर्ण रूप से निष्ठा से करना चाहिए। बीते 4.5 सालों से आप प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत बहुत ख़राब हो रही है उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप रैलियां भी निकालते हैं, आंदोलन भी करते हैं, उसे देखते हुए हाल ही में मैं आपके सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया कि हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयावह गैंग रेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ 1 आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा और भाजपा का 77 दिन, क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? गहलोत जी तो हर विषय को राजनीति में करते हैं और गहलोत जी जितने लोगों को जुठलाने का काम करते हैं ना, आज की तारीख में कोई नहीं करता इस देश के अंदर राजनीति के व्यक्ति। मेरा विषय है कि आपराधिक घटनाएं हो क्यों रही हैं, लोग मर क्यों रहे हैं, लोगों को धमकियां क्यों मिल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। एक स्टेट राजस्थान में ऐसा भी है कि जहां पर चोरी करना, मतलब महिलाओं को तो छेड़ना तो अलग बात कि चोरी करने से भी आदमी 100 बार सोचता है, और यहाँ राजस्थान है कि यहाँ पर अपराधी अपराध करते टाइम सोचता नहीं बल्कि उसको सोशल मीडिया पे डालता है, अपना बड़प्पन समझता है, फैशन राजस्थान में तो फैशन बना दिया गहलोत सरकार ने। अपराध हो ही क्यों रहा है? अपराध हो गया और उसके बाद में किसी को पकड़ना, ये तो कोई आपका व्यवस्था नहीं रही ना। व्यवस्था वो होती कि अपराध हो ही ना, वो आपकी कानून व्यवस्था और आपकी कानून के अंदर आपकी सरकार की उस अपराध के प्रति जो आपका कार्य होना चाहिए उस अपराध को रोकने के लिए, ताकि एक के साथ में जो हो उसके बाद में उस जैसे लोगों को सोचने वाले लोगों को सौ को सैकड़ों को वो संदेश जाए। क्या वो संदेश देने का काम किया आपने? आपकी पुलिस पर लोग हमला कर देते हैं, सरेआम लोगों को मार देते हैं, सरेआम रोज की घटनाएं, ये नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अंदर जो डाटा आया है वो क्या आपने और मैंने थोड़ी बनाया है? सर्वे के आधार पर, FIRों के आधार पर आज राजस्थान 1 है महिलाओं के साथ अत्याचार में। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, वास्तविकता आज राजस्थान की जनता जानती है ना कि आज वहाँ बाहर शाम को रात्रि को 9 बजे 10 बजे 8 बजे बाहर निकलने से डर लगता है। ऐसी स्थिति आज राजस्थान की गहलोत शासन में बन चुकी है। ये स्थिति किसके कारण बनी? आपके कारण, क्योंकि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आपके राज्य में जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको भय नहीं लगता पुलिस प्रशासन का, उनको भय नहीं लगता कानून का, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं है, 2 दिन बाद में कोई गवाह नहीं मिलेगा, क्योंकि गवाह को भी धमका देते हैं 2-4 दिन जेल में रहना है और उसके बाद जमानत होकर बाहर आ जाएंगे। ये तो फैशन बन चुका है राजस्थान का। तो ये राजस्थान की जनता समझती है और इसका निर्णय आने वाले चुनाव में आपको बताएगी भी जनता और आपको बाहर बिठाएगी। इससे जुड़ा सवाल है, इन भयावह हालातों से राजस्थान को बाहर निकालने के लिए अगर आपको मौका मिले, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी को मिला, जो जिनके आते ही देखे यूपी अब पूरी तरह से गुंडा माफियाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जनता आपसे जानना चाहती है क्या आपके आते ही यूपी की जो तस्वीर है वो राजस्थान में भी दिखेगी? हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। हम तो कृतज्ञ हैं, बहुत ही हमारे पे तो कृपा हुई है जनता की, भगवान की, हमारी पार्टी की, कि जो हमें इस योग्य समझा है और निष्ठापूर्वक अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज भी हम सेवाई कर रहे हैं, कल भी सेवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम अपनी सेवा, अपने लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे। और ये तो मैंने आपको जैसे प्रथम में कहा है, तो पार्टी ही हमारी विचारधारा ही ऐसी है कि इस विचारधारा के अंदर केवल जनता की सेवा और राष्ट्र के हित को। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके आते ही क्या राजस्थान गुंडा माफियाओं से जो गैंगस्टर जितने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मुक्त हो जाएगा जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी है कि जिसके आने के बाद में ऐसी आपराधिक गतिविधियां करने वाले लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग आज राजस्थान में पनपे हैं, दूसरे राज्यों से भी राजस्थान में आकर शरण जिन्होंने ली है, ऐसी आपराधिक सोच रखने वाले, अपराध कार्य करने वाले, ऐसे चाहे राजनीतिक लोग क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आप समय से या तो अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का, कहीं का बनवा लो,
और समय से पलायन कर जाओ, अन्यथा यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी ना छुपने की जगह मिलेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता को जो जिस प्रकार से आपने खून के आंसू रुलाए हैं और इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूटा है, ये तो गजनबी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर, जी इन्होंने तो अपना यहीं खाया और यहीं दबाया लोगों का, मतलब कि उनके सामने लूट कर उनके सामने दिखा और रहे हैं। इतना बुरी तरह से उन्होंने जो राजस्थान को लूटा है, इनके किए की सज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का राज होगा और विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल धर्म ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से अपने देश और संस्कृति को जानने का आपको एक नया अनुभव मिलेगा और आप अपनी विरासत को भी जान पाएंगे, अपनी धर्म संस्कृति को भी जानकर। और मैं मानता हूँ कि हम धर्म और संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक अच्छे संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ेगा और हमारे जीवन के अंदर एक सुख शांति की स्थापना होगी। आप सब लोगों का मेरा पुनः धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर धर्म ज्ञान के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।